अभी हम जिस प्रोडक्ट के कॉस्ट एनालिसिस करेंगे वो है मेकअप ड्रेसर, इसको हम वैनिटी सेट भी कहते हैं। ये एक स्पेस सेविंग ड्रेसिंग टेबल है जिसके ऊपर वाले एरिया में एक स्लाइडिंग मिरर दिया गया और उस मिरर के बैक पे स्टोरेज शेल्व्स और हुक्स दी गई हैं ताकि आप अपने कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी रिलेटेड आइटम्स को ईजिली मैनेज कर सकें। इसका जो ड्रॉज है उसमें भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं ताकि आप अपनी छोटी चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। इसके साथ एक वैनिटी स्टूल है जिसकी जो सीट है वो फ्लिप टॉप स्टाइल में दी गई है और उसके नीचे स्टोरेज एरिया दिया गया ताकि आप अपनी कुछ आइटम्स वहाँ भी स्टोर कर सकें। इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होगा अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें MDF शीट्स हैं, लुकिंग मिरर है, अपहोल्स्टर्ड वैनिटी टॉप है, ड्रॉर और डोर के लिए चैनल्स हैं और एज बैंडिंग टेप है जिसकी थिकनेस 1 mm है। अब हम इसकी साइज़ डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ड्रेसिंग टेबल की जो हाइट है वो 33 inches है और उसकी डेप्थ 16 inches है और विथ जो है वो 31.5 inches है। अगर हम मिरर एरिया को इंक्लूड करें तो ओवरऑल हाइट 58.5 inches है। अगर हम सिर्फ मिरर एरिया की बात करते हैं तो उसकी जो हाइट है वो 25.5 inches है, विथ उसकी 25.5 inches ही है और उसकी जो डेप्थ है वो 6 inches है। वैनिटी स्टूल की जो हाइट है वो सीट इंक्लूड करके 19 inches है और इसकी जो विथ है 16 inches है और डेप्थ जो है वो 12 inches है। अब हम जो इस पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी उसको डिस्कस करते हैं। इसमें 1.5 MDF शीट्स यूज़ होंगी जिसकी जो कॉस्ट है वो 5400 है। इसमें हाफ प्रेस यूज़ होगा जिसकी प्राइस है 600। लुकिंग मिरर की जो कॉस्ट आएगी वो 1000 है। वैनिटी स्टूल की जो टॉप है लेबर इंक्लूड करके वो 1000 है। एज बेंडिंग टेप 75 feet यूज़ होगी और उसकी कॉस्ट 2250 रुपये आएगी। ड्रॉज के लिए जो चैनल यूज़ होगा वो 16 इंच का होगा और उस पेयर की जो प्राइस है वो 650 है। और लुकिंग मिरर को स्लाइड करने के लिए जो चैनल यूज़ होगा उसकी जो वेथ है वो 2 feet होगी और उसकी जो कॉस्ट आएगी वो 1000 आएगी। मिसलिनियस हार्डवेयर हमारा 1000 का आएगा और लेबर कॉस्ट जो इस पर आएगी वो 2000 रुपये आएगी। अब हम जब आइटम वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आई है वो 14900 रुपये है, यानी 14900 रुपीज़। अगर आप इसमें लैमिनेटेड चिपबोर्ड यूज़ करेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है वो 1200 रुपये मज़ीद कम हो जाएगी। ये कॉस्ट तब आएगी जब आप इस प्रोडक्ट को ख़ुद बनवाएंगे। और अगर आप यही प्रोडक्ट रेडीमेड ख़रीदना चाहते हैं तो ये आपको मार्केट में 20 से 24 हज़ार की रेंज में मिलेगी। अगर आप इस प्रोडक्ट या किसी भी फर्नीचर रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।